नमस्कार। मेरे लिए धर्म एक आस्था का प्रश्न है और मैंने कभी भी जीवन में धर्म का दुरुपयोग राजनीति में नहीं किया। हम सबके आराध्य भगवान श्री राम सबके हैं। मैंने कभी भी भगवान राम के नाम पर न वोट मांगा, न कभी उस मामले में मैंने कभी विघ्न पैदा किया। भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो हम सब चाहते हैं, लेकिन भगवान राम के मंदिर में विवाद खड़ा नहीं हुआ। और यही बात को सोचकर यह प्रकरण लंबे समय तक अदालत में चला और अदालत में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया और मंदिर निर्माण की इजाजत दी, इसे सबने स्वीकार किया। हर धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने इसका स्वागत किया कि बहुत दिनों से एक विवादास्पद विषय था, इसका हल निकला। और हम लोगों के लिए ये गर्व की बात थी कि अयोध्या जी में जो वर्षों पुराना एक विवाद था वो समाप्त हुआ है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की प्रेरणा से इलाहाबाद हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पी एन मिश्रा जी ने जो अखिल भारतीय राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के रूप में इंटरव्यूनर बने थे और 90 दिन तक बहस उन्होंने की थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी उसमें साक्ष्य दिए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साक्ष्य का और इन प्रमाणों का उल्लेख करते हुए अपने आदेश में इनके प्रति आभार व्यक्त किया है। ये सभी जो कार्य हुआ है जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से ही और उनके प्रोत्साहन से ही ये काम किया गया है। और ऐसा व्यक्ति जिसने कि 40 साल से लड़ाई लड़ी है, जेल गए हैं, यातनाएं भुगती हैं, पूरा खर्चा उठाकर अदालत में लड़ाई लड़ी है, वो उनकी बात नहीं मानी जा रही है और विश्व हिंदू परिषद जो कि इंटरवीनर भी नहीं था इस केस में, उसको महत्व दिया जा रहा है। न्यास उनके सुझाव पे बनाए जा रहे हैं, उनके लोगों पर मनोनीत किया जा रहा है। मैं तो इस बात को साफ कहना चाहता हूं, इस न्यास में जो भगवान राम के मंदिर का निर्माण करेगा उसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बैठने की जरूरत नहीं है और शुद्ध रूप से चारों शंकराचार्य जी और रामानंद संप्रदाय के संत, वैष्णव संप्रदाय के संत जो मान्यता प्राप्त है, उनको इसका सदस्य बनाकर उनको ही जिम्मेदारी सौंपी जाना चाहिए, तभी जाकर हमारी भावनाओं का आदर होगा। इसी के साथ साथ और भी ऐसे प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं है जो कि भगवान राम का विशाल मंदिर अयोध्या में बने उसका विरोध करता हो, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि हजारों साल से सनातन धर्म का मार्गदर्शन हमारे जो वेद हैं उनके माध्यम से ही चला आ रहा है। और यही बात मेरे गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने इस बात को कहा है, विस्तार से उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सनातन धर्म का मूल आधार वेद है। वेदों के अनुसार किए गए कर्म ज्ञान कर्म यज्ञ होते हैं जो पूर्णतः काल गणना पर आधारित होते हैं। काल गणना और कालखंड विशेष के रूप से शुभ अशुभ का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से होता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांत कहा गया है। 95% इस देश का हिंदू मुहूर्त देखता है, हर शुभ काम के लिए मुहूर्त देखा जाता है। और यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि चतुर्मास के समय कोई भी शंकराचार्य जी या स्थापित महात्मा अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। यह भी एक स्थापित मान्यता है कि विशेष करके दक्षिणायन
और विशेषकर भाद्रपद मास कृष्ण की द्वितीय तिथि जो कि 5 अगस्त है, शास्त्रों में भाद्रपद मास में ग्रह मंदिरारंभ निषेध। इसका मतलब यह है कि पूरे तरीके से जो मुहूर्त निकाला गया है या जो तिथि तय की गई है 5 अगस्त 2020 की, वो मंदिर निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। अब हमें ये समझाया जा रहा है कि शंकराचार्य जी का कोई इसमें दखलअंदाजी नहीं होना चाहिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जोशी पीठ के और द्वारका पीठ के शंकराचार्य और सबसे वरिष्ठ 98 साल की उम्र में भी वे सक्रिय हैं और समस्त हिंदू समाज को सनातन धर्म को वे मार्गदर्शन देते आए हैं। यदि उन्होंने कोई बात कही है तो मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को भी उसका सम्मान करना चाहिए था। आपने जो फैसला किया है उसको टाला भी जा सकता था। देवउठनी 11 के ज्यादा समय नहीं बचा है, 2-3 महीने के अंदर आपके आसानी से शिलान्यास हो सकता था। सभी धर्मगुरुओं को बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये मेरी स्पष्ट मान्यता है कि मंदिर निर्माण और धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। और इसीलिए नरसिम्हा राव जी ने यह प्रयास किया था, रामालय ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें कि सभी शंकराचार्य जी, रामानंदी संप्रदाय के लोग, सभी वैष्णव संप्रदाय के हमारे जो संत लोग हैं उनको उसमें शामिल किया गया, तो जो आज भी है। और 67 एकड़ जमीन उन्होंने अधिग्रहण भी कर ली थी। वो चाहते थे कि इसे राजनीति से अलग किया जाता है और उसी के अनुसार उन्होंने कदम भी उठाया। अब आप देख रहे हैं कि मंच पर एक भी शंकराचार्य जी उपस्थित नहीं है, रामानंदी संप्रदाय का कोई उसमें नहीं है, केवल गोपाल दास जी महाराज वहां पर मौजूद है। और मैं पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी किस हैसियत पे उस मंच पर बैठे हुए हैं, मोहन भागवत जी का राम जन्मभूमि से क्या लेना देना है। गुरु गोलवलकर जी तो कहते थे कि हमारे लिए राम जो है आदर्श महापुरुष है लेकिन अवतार नहीं है। ये मूल रूप से हिंदुओं का की जो आस्था है कि भगवान श्री राम ईश्वर के अवतार है, उसी के विपरीत है। इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम फिर से अनुरोध करते हैं कि जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं, अशुभ मुहूर्त में जो शिलान्यास किया जा रहा है ये किसी के लिए शुभ नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि वे इस बारे में पुनर्विचार करें। लेकिन लगता है कि अब वो समय आ गया है कि मोदी जी न केवल प्रधानमंत्री हैं लेकिन हर धार्मिक कार्य के लिए भी मुहूर्त वही निकालेंगे। मुझसे कहा गया कि कुछ विद्वान पंडितों ने ये मुहूर्त निकाला है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कौन कौन ऐसे विद्वान पंडित थे जिन्होंने ये अशुभ मुहूर्त निकाला है, और यदि निकाला है तो शास्त्रार्थ होने दीजिए। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, तो सही मुहूर्त निकालने के लिए वाराणसी के स्वयं सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वहां के वाराणसी के ब्राह्मणों से तो पूछना चाहिए था, ज्योतिषाचार्यों से तो पूछना चाहिए था, वहां के विशिष्ट ब्राह्मणों से पूछना चाहिए था। अब ये अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा जो मूल आधार है इस देश का, सनातन धर्म की परंपराओं को वही तोड़ा जा रहा है। इसलिए मेरा विरोध है। मैंने कभी भी भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कभी विरोध नहीं किया। मैं स्वामी जी का दीक्षित शिष्य हूँ, अच्छा हिंदू हूँ और परंपराओं को निभाता हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ और नर्मदा जी की यात्रा भी मैंने पैदल की है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो भी मुझे मेरे खिलाफ अनर्गल बातें की जाती हैं, मुझे उसको कोई ऐतराज नहीं है।
लेकिन मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे भी एक भी हिंदू के दिमाग में ये बात आए कि अशुभ होते। इसलिए मेरी मैंने इस बारे में अपना वक्तव्य दिया है और मैं आज भी इस पर कायम। धन्यवाद।